नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड ट्रेनिंग सीरीज के आठवें ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडो अब तक आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक सोलर सिस्टम को डिजाइन कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट किस तरह निकाली जाती है, उसके बेसिस पे आपका पैनल का कैपेसिटी और क्वान्टिटी हमने डिसाइड की। फिर हमने उनकी पोजिशन भी डिसाइड की कि उनका टिल्ट एंगल और उनका अजीमत एंगल क्या होना चाहिए। साथ ही साथ हमने जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स क्या होते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स कनेक्शंस। तो आइए अब देखते हैं कि इन्वर्टर किस तरह आप सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर थ्री या फोर कनेक्शंस। और साथ ही साथ हम फाइनलाइज करेंगे इस वीडियो में कि आपका लेआउट क्या होना चाहिए और आपका इन्वर्टर कौन सा होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि केबल्स जो है, केबल सिलेक्शन एसी और डीसी साइड के, इस वीडियो में कंप्लीट किए जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी डेटा शीट। तो 250 वॉट पैनल के लिए जो हमारी टिपिकल डेटा शीट है वो कुछ इस तरह है। वारी सोलर के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 37.2 है। इसी तरह आपका शॉर्ट सर्किट करंट, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर और करंट एट मैक्सिमम पावर भी बताया गया है। तो इनको ध्यान में रखते हुए जो हमने चार कनेक्शन डिसाइड किए थे पिछले वीडियो में, उनका जो इफेक्ट होगा वोल्टेज और करंट पे वो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जो आपका ऑल 18 सीरीज कनेक्शन है, यानी आप जो आपके 8 पैनल्स हैं, उन 8 पैनल्स को आप अगर सीरीज में कन्वर्ट कनेक्ट कर दें तो आपका जो वोल्टेज होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी 8 गुना आपका वोल्टेज हो जाएगा, करंट सेम रहेगा। सिमिलरली आपके पैरेलल कनेक्शन में और आपके जो बाकी दो कनेक्शन है, 2 rows of 4 panels in series and 4 rows of 2 panels in series, उनका भी वेरिएशन कुछ इसी तरह होगा। सीरीज कनेक्शन के लिए आप ध्यान रखिएगा वोल्टेज ऐड होता है और पैरेलल कनेक्शन के लिए करंट ऐड होता है। अब देखते हैं हम इन्वर्टर कौन सा लेंगे। तो एक 2 किलोवाट सिस्टम के लिए हम एक 2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे। इस डिजाइन के लिए हमने INVT का 2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर सिलेक्ट किया है जो कि ये है। तो इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए जो आपकी डेटा शीट है और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज और MPPT रेंज, ये सारे बताए गए हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि हमारे चारों कनेक्शन इस इन्वर्टर के साथ किस तरह फिट रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 4 rows of 2 panels in series। ये आप देखिए, इस कनेक्शन टाइप में हमारा जो स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज है वो है 80 और 60 वोल्ट इस इन्वर्टर के लिए, और जो मैक्सिमम डीसी करंट आप इनपुट कर सकते हैं 2 किलोवाट रेंज के लिए वो है 12 एम्पीयर्स। जब हमने देखा था हमारे VMP और IMP को, तो VMP 61.6 वोल्ट है, तो यानी वो स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज के ऊपर है, लेकिन आपका जो करंट है, जो आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट करंट है, वो जा रहा है 32.48 एम्पीयर्स। तो वो आपके जो मैक्सिमम डीसी करंट की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहा है। तो इस इन्वर्टर के लिए ये कनेक्शन आपके लिए फीजिबल नहीं रहेगा। तो दिस इज नॉट अ गुड चॉइस। आइए देखते हैं 2 rows of 4 panels in series के बारे में। हम सिमिलरली ऑपरेटिंग वोल्टेज या स्टार्टिंग वोल्टेज और मैक्सिमम डीसी करंट को कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यूज के साथ। तो VMP जो है 123.2 वोल्ट है, यानी वो स्टार्टिंग रेंज या ऑपरेटिंग वोल्टेज से काफी ऊपर है, लेकिन आपका जो करंट है यहां भी आपका करंट एक्सीड कर रहा है 16.24 एम्पीयर्स। सो सिमिलरली ये जो कनेक्शन है आपके इन्वर्टर के लिए नॉट अ गुड चॉइस। आइए देखते हैं कि अगर हमने 8 पैनल, जो 8 पैनल्स है, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिए तो फिर क्या होगा। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें और फिर अगर इन दो वैल्यूज को हम अगर मैच करवाएं, तो आपका जो वोल्टेज है एट मैक्सिमम पावर, आपका VMP है 30.8 वोल्ट, जो कि आपकी स्टार्टिंग वोल्टेज है, ऑपरेटिंग मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है, उससे काफी कम है, और आपका करंट भी एक्सीड कर रहा है, तो ये कनेक्शन तो बिल्कुल ही गुड चॉइस नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गलत चॉइस है। आइए अब आखिरी में हमारा आखिरी जो कनेक्शन बाकी रहेगी ऑल 18 सीरीज उसको देखते हैं। इस सीरीज के लिए भी अगर हम सेम चीजें कनेक्ट कंपेयर करें, तो देखिए हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आ रहा है 246.4 वोल्ट,
जो कि हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा है, और हमारा जो मैक्सिमम करंट आ रहा है IMP, वो आ रहा है 8.12 एम्पीयर्स, जो कि हमारा मैक्सिमम डीसी करंट से कम है। तो देखिए इस कनेक्शन में हमारी सारी रिक्वायरमेंट जो है, जो हमारा मैक्सिमम डीसी इनपुट वोल्टेज है उसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, वो है 450 वोल्ट, और हमारा जो VMP है वो 246.4 वोल्ट है, और जो हमारा नंबर ऑफ MPPTs है वो 1 है, तो सीरीज से हम ऐसे भी एक ही आउटपुट आएगा। तो ये कनेक्शन जो है आपके लिए काफी ज्यादा सुटेबल है, हमारे सिस्टम के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो दोस्तों अब तक हमने देख लिया कि कौन सा कनेक्शन जो है वो हमारे इन्वर्टर के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। ऑल 18 सीरीज जो कनेक्शन है वो हमारे जो 2 किलोवाट का सिस्टम है उसके लिए बेस्ट है और परफेक्ट चॉइस है। आइए अब देखते हैं कि इसका लेआउट क्या होगा, कि अगर हम ऑल 18 सीरीज की बात कर रहे हैं तो किस तरह कनेक्ट किए जाएंगे। तो उसका लेआउट कुछ इस तरह होगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा नेगेटिव, और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे पैनल का। तो इस तरह पूरा सीरीज में कनेक्ट करके हमें मिलता है हमारा सीरीज कनेक्शन। तो दोस्तों अब तक हमने देख लिया कि हमारा कनेक्शन क्या है, हमारा इन्वर्टर कौन सा होना चाहिए, और इन्वर्टर की कैपेसिटी भी हमने नोट की, और उसी के बेसिस पे हमने एक परफेक्ट लेआउट सेलेक्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने क्वेश्चंस या इस डिज़ाइनिंग में आपको कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आगे का जो डिज़ाइनिंग है, केबल डिज़ाइनिंग, वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।